राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुक्रवार को 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होने वाली DGIG कॉन्फ्रेंस में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को जयपुर आएंगे। राजधानी में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन तक ठहरेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और अन्य जांच एजेंसियों के प्रमुख भी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। DGIG कॉन्फ्रेंस में विभिन्न सत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन होगा। कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का गुरुवार को ही जयपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया है। 3 दिन होने वाली DGIG कॉन्फ्रेंस में देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ ही महिला अपराध, साइबर अपराध जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। इसके अलावा शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन पुलिस मेडल प्रदान करेंगे। वही रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुलिस मेडल प्रदान करेंगे। जयपुर से खबर है जहां ऑल इंडिया DGIG कॉन्फ्रेंस जयपुर में आज से 7 जनवरी तक आयोजित की जा रही है। देश की पुलिसिंग को धार की दरकार, राजस्थान में पहली बार हो रहा यह आयोजन। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में कॉन्फ्रेंस, पुलिस तंत्र में नवाचारों पर मंथन, केंद्र और राज्यों में सूचनाएं साझा करने पर किया जाएगा फोकस, मुखबिर तंत्र और गुप्तचर व्यवस्था मजबूत करने की है जरूरत। केंद्र ने 162 साल बाद दंड संहिता को दिया है भारतीय रूप, किन मुद्दों पर होगा मंथन। 3 दिन तक कई सत्र किए जाएंगे आयोजित, कांस्टेबल से लेकर अफसर तक प्रशिक्षण में बदलाव, भर्ती में संवेदनशीलता, चरित्र और क्षमताओं का गहनता से परीक्षण जरूरी, पुलिस सुधार से जुड़े मुद्दे, साइबर क्राइम को रोकने, धर्मांतरण, कट्टरवाद, घुसपैठ, जम्मू कश्मीर में बढ़ रही हिंसा, गैंगस्टरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई, महिला अपराधों को रोकने, जेलों के भीतर सुरक्षा और सूचनाएं साझा करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक। विवेक, 3 दिवसीय DGIG कॉन्फ्रेंस का आज से आयोजन किया जा रहा है, काफी VIP मूवमेंट आज जयपुर में देखा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज आ रहे हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं? पुलिस महकमे को आधुनिकीकरण के साथ ही जो तमाम बड़ी चुनौतियां पुलिस के सामने हैं, इन पर मंथन करने और कार्य योजना तैयार करने के सिलसिले में अब पहली बार जो है राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऑल इंडिया DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से होने जा रहा है। 3 दिनों तक ये आयोजन झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही गृह राज्य मंत्री अजीत डोभाल और देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस प्रमुख इसमें शामिल होंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेज के प्रमुख और जो गुप्तचर जो सूचना ब्यूरो है उसके प्रमुख इसमें शामिल होंगे। 3 दिनों तक चिंतन मंथन इसमें किया जाएगा, कई मुद्दों को लेकर के मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर आएंगे और ये पहला मौका होगा जब 3 दिनों तक जो है जयपुर में रहेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 4:30 से 5 बजे के बीच जो है जयपुर एयरपोर्ट पर उतरेंगे और जयपुर एयरपोर्ट से सीधे प्रदेश भाजपा कार्यालय जाएंगे। ये भी पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी प्रदेश भाजपा कार्यालय में पहली बार आएंगे। तो प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश पदाधिकारियों, मोर्चों और संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारियों के साथ ही भाजपा के विधायकों की यहाँ पर संबोधन करेंगे। माना जा रहा है कि संबोधन के दौरान विकसित भारत अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जरूरी टिप्स जो है वो तमाम भाजपा नेताओं को दे सकते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में राजस्थान में 25 से 25 सीटें जीतने का लक्ष्य जो है भाजपा की ओर से रखा गया है। इससे पहले भी 25 से 25 सीटें जो है वो राजस्थान में भाजपा जीत चुकी है। तो यही फोकस रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर उनसे चर्चा करेंगे, उनको जीत के मंत्र देंगे। साथ ही
कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जाएंगे और काफी देर तक वहां पर रहेंगे। कई सत्रों में वहां पर कल मंथन होगा, रविवार को भी कई सत्रों में वहां पर मंथन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो आ जाएंगे, उद्घाटन सत्र में हिस्सा लेंगे। तो तीन दिनों तक जो गंभीर विषय जो देश की पुलिस के सामने है उनको मंथन किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से साइबर क्राइम, महिला अपराध है, धार्मिक कट्टरवाद, और कट्टरवाद के साथ ही जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा और आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दों पर इसमें मंथन किया जाएगा। साथ ही लंबे समय बाद पुलिस को किस तरह से और आधुनिक बनाया जा सकता है, पुलिस के आधुनिकीकरण को लेकर के किस तरह की चीज़ों की जरूरत है, क्योंकि देखने में आया कि पुलिस बेड़ा जो है वो काफ़ी मजबूत नहीं है। अपराध जो है काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, समय के साथ अपराधों का ट्रेंड बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से उनसे निपटा जाना है, संयुक्त कार्य योजना किस तरह से तैयार की जानी है, सूचनाओं को किस तरह से केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाना है, जिससे तमाम जो अपराध है उन चुनौतियों को निपटा जा सके और एकजुट होकर काम किया जा सके। वही नक्सलवाद, गैंगवाद जो है बड़े मुद्दे हैं, गैंगस्टरों पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि देखने में आया कि जेलों में बैठे गैंगस्टर जो है वो बाहर अपराध करा रहे हैं, बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है इसको लेकर के यहाँ पर मंथन होने वाला है। जेलों में सुधार की स्थिति, जेलों को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो बंदी है उनको सुधारा जा सकता है, समाज की मुख्य धारा में ला सकता है, ऐसे तमाम मसलों को लेकर के तीन दिनों तक विभिन्न सत्रों में फोकस होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गृह राज्य मंत्री NS अजीत डोभाल समेत तमाम जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है वो इसमें हिस्सा लेंगे। कई प्रेजेंटेशन भी इस दौरान तीन दिनों तक दिए जाएंगे। ऐसे नवाचार जो किसी